इतना मारा जाए कि कोड़े और बेतों की मार पड़ते पड़ते मर जाए, ऐसा इसे दंड दिया जाए, जिससे किसी की हिम्मत नहीं होगी इस्लाम धर्म के विरुद्ध बोलने की। बादशाह ने विवश होकर आज्ञा पास कर दी। जल्लादों को हुक्म हो गया कोड़े और बेतों की वर्षा करते हुए 22 बाजारों में हरिदास जी को जान से मार दिया जाए। बांध लिया गया हरिदास जी को पीठ पर, वहीं सामने ही बेत और कोड़े बरसना शुरू हुए। सोचो अब उनके सुकुमार शरीर पर जे ही कोड़ों की आघात जोर से जल्लाद लोग मारते, कोड़ा तो वैसे ही खाल उन कोड़े में लगी हुई चली जाती, घाव हो उन घावों पर बेत ऊपर से बरसते, कोड़े बरसते। हरिदास जी के शरीर की पूरी खाल उधड़ गई, मांस दिखाई देने लगा, पीठ से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर बेत की वर्षा करते, हरिदास जी के मुख से वही हरिनाम एक क्षण के लिए भी हरिनाम नहीं रुका। कोड़ों और बेतों की वर्षा हो रही है, बाजार में जो भी देखता आंख मूंद लेता, कोई चीख पड़ता, कोई रोने लगता, हाय हाय मच गई। लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे किसी का क्या जोर, बहुत से भक्त तो चीख चीख के रोने लगे। वो केवल कृष्ण नाम कीर्तन करते हुए बेत और कोड़ों की मार सह रहे हरिदास जी, एक बार भी न तो जल्लादों की तरफ मुड़ के देखा, न जनता की तरफ, न एक क्षण के लिए भी नाम रुका, हर समय नाम चल रहा है। 22 बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ है, हरिदास जी के प्राण नहीं निकल रहे। जल्लादों ने आश्चर्य प्रकट किया कि ऐसा कठोर आदमी तो आज तक हमने नहीं देखा, हम लोगों के 10-20 बेत कोड़े पड़ते ही कितने मूर्छित हो गए देखा है, लेकिन 22 बाजारों में कितने असंख्यों बेत और कोड़े पड़ गए, इसके होश जीव कितने बने हुए, ये मरेगा भी कि नहीं, अगर नहीं मरेगा तो बादशाह मुझे मार डालेगा। इसलिए जल्लाद कांप रहे कि मरेगा कैसे, हमें लगता है जो नाम उच्चारण कर रहा है इसी का प्रभाव है। भारी दुख में भी ना तो इसके मुंह पे कोई शिकन है ना कोई वेदना है, अब हम लोग क्या करें। दयालु हृदय महात्मा हरिदास जी ने कहा हरि बोल तू भी हरि बोल, बोले अब भी वो बोलता है हरि बोल ऐसे कह के फिर हरिदास जी आनंद मगन हो रहे, ये भी हरि बोल बोल रहे, इनका भी कल्याण हो जाएगा इसलिए आनंद हो रहा है। ऐसे जल्लादों के मुख से हरि नाम निकला, इनका भी कल्याण हो जाएगा। हाथ जोड़कर अश्रु प्रवाह करते हुए हरिदास जी हरि से प्रार्थना करते हैं, काजी बादशाह और पीटने वाले इन सबका मंगल हो, हे प्रभु कभी इनको कोई कष्ट ना हो। आप देखो संत का हृदय क्या होता है, नाम जापक का हृदय क्या होता है। प्रभु ये सब भूले भटके हैं, इनके अपराधों को क्षमा करो, ऐसा वो प्रार्थना करते। इतने में ही हरिदास जी की अचेत अवस्था आ गई, मूर्छित हो गए, भूमि में पड़ गए। सेवकों ने देखा कि उनके प्राण संचलित नहीं हो रहे, उनको ऐसा भास हुआ मानो हरिदास जी के प्राण निकल गए। गुराई काजी को सूचना दी गई, मुलुकपति को सूचना दी गई कि हरिदास जी के प्राण निकल गए, तो उन्होंने कहा ये काफिर है, इसको अगर जमीन में गाड़ दिया जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा, इसलिए इसको काफिर को गंगा में फेंक दो, क्योंकि इस्लाम धर्म के अनुसार यदि जमीन में गाड़ा जाएगा तो इसे स्वर्ग मिलेगा, बोले इसको गंगा में फेंक दो। गोराई काजी ने कहा कब्र में गड़वा देने से मुसलमानी धर्म के अनुसार स्वर्ग की प्राप्ति होती है, इसने मुसलमानी धर्म छोड़ दिया है इसलिए इसे गंगा में फेंक दो। जल्लादों ने बादशाह की आज्ञा से हरिदास जी के शरीर को गंगा में फेंक दिया। गंगा माता का सुखद स्पर्श होते ही, शीतल जल स्पर्श होते ही हरिदास जी को चेतना आ गई, जागृत हो गई चेतना। धीरे धीरे गंगा के प्रवाह से वो फुलिया के समीप घाट पर आके लग गए। अब दर्शनार्थियों की भीड़ एकत्रित हो गई, क्यों सबको पता था, वो तो 22 बाजारों में जब मारा तो सबको पता था, अरे सबने देखा हरिदास जी जीवित है, चारों ओर प्रसन्नता का समाचार फैल गया। लोग ठाकुर हरिदास जी के दर्शन के लिए बड़ी उत्सुकता से आने लगे, जो भी सुनता हो सब भागते हुए दूर दूर से लोग आने लगे। बादशाह और गुराई काजी के पास सूचना पहुंची कि हरिदास जी तो जिंदा है, गंगा में फेंक दिए गए थे और परीक्षण के साथ फेंके गए थे, ऐसे थोड़ी
देखा गया था कि प्राण संचलित नहीं हो रहे, घबरा गया बादशाह कि कोई साधारण नहीं, 22 बाजारों में बराबर अनवरत असंख्यों बेत और कोड़े मारे गए, खाल शरीर में नहीं, फिर भी प्राण, हृदय से घबरा करके, आखिरकार कोई सत्ता है, हृदय से घबरा गया और बादशाह स्वयं काजी के सहित आया दर्शन करने हरिदास जी के। फुलिया में जहां हरिदास जी रुके हुए थे, बादशाह ने आया, आकर के नम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, सर झुकाया और कहा, आप मुझे क्षमा करें, मैं दंड देने के लिए मजबूर था इसलिए दंड दिया, मैं आपके प्रभाव को नहीं जानता था, मेरे अपराध को क्षमा कर दो और आज से मैं ये पास करता हूं कि आप खूब हरिनाम जप करो, कोई नहीं बोलेगा। ऐसा बादशाह ने सर, देखो भगवान का सब लीला विलास है, आज से आपके भजन में कहीं कोई भी विघ्न नहीं पहुंचाएगा, ये फरमान जारी कर दिया बादशाह ने। हरिदास जी नम्रता पूर्वक कहा कि महाशय आपका तो कोई अपराध है ही नहीं, क्योंकि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार दुख सुख भोगता है, कोई हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे जिनको भगवान ने पवित्र करने के लिए तुम्हें प्रेरणा की। देखो संतों का हृदय कैसा होता है। हरिदास जी की ऐसी सरल निष्कपट बात सुनकर बादशाह आनंद मगन हो गया, वो हरिदास जी के चरणों में गिरा, बादशाह चरणों में गिरा, फिर वो प्रणाम करके चला गया। अब तो बड़े बड़े वैष्णव सब भाग भाग करके श्री हरिदास जी के समीप आए और दुख प्रकाशित करने लगे, कोई उनके घावों को देखकर फूट फूट कर रोने लगता। हरिदास जी ने उन वैष्णव जनों को समझाते हुए कहा, हे वैष्णव जन, आप सभी लोग भगवत प्रेमी हो, शास्त्र के मर्म को भली भांति जानते हो, बिना पूर्व कर्मों के दुख सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैंने इसी जन्म में एक अपराध किया कि मैंने हरि नाम की निंदा सुनी, ये मुझे जो दंड मिला अच्छा मिला, क्योंकि इन कानों से मैंने हरि नाम की निंदा सुनी, यही बोल रहे थे काजी वगैरह, मैंने हरि नाम की निंदा सुनी, भगवान ने अच्छा किया, हरिनाम निंदा सुनने वाले शरीर को पिटवा दिया, अच्छा किया। मतलब संत का हृदय क्या होता है ये कोई समझ नहीं सकता। आप वैष्णव जन सब प्रसन्न रहो, मेरे शरीर को बिल्कुल कष्ट नहीं, आपको दिखाई देते हैं घाव, लेकिन सच्ची बताओ मुझे बहुत आनंद हो रहा है। हरिदास जी ने कहा, जिस क्षण प्रभु का विस्मरण हो जाता है उस समय दुख होता है, यहां तो प्रतिपल प्रभु का स्मरण हो रहा तो दुख कैसा, ये आपको दिखाई दे रहा है शरीर में बड़े बड़े घाव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हृदय में मेरे बिल्कुल कष्ट नहीं है। इनके ऐसे उत्तर से सभी वैष्णवजन बड़े संतुष्ट हुए, हरिनाम कीर्तन करते हुए सब वैष्णवजन अपनी अपनी कुटिया को गए। श्री हरिदास जी भगवती भागीरथी के तट पर फुलिया ग्राम के समीप रहने लगे। वहां कौन सी कमी रह गई, जब बादशाह के चरणों में प्रणाम किया तो सोचो कौन सा वैभव उनके लिए दुर्लभ है जो भगवान के चरणों के आश्रित है। अब शांति पुरुष अद्वैताचार्य जी नित्य आते हरिदास जी के समीप, आचार्य ने पुत्र की भांति प्यार करते, अद्वैताचार्य जी पुत्र की तरह प्यार करते हो, ये उन्हें पिता से भी बढ़कर मानते। फुलिया के सभी ब्राह्मण वैष्णव धनी मानी पुरुष रोज दर्शन करने आते श्री ठाकुर हरिदास जी के, बड़ा आदर सत्कार करते। अब आप विचार कीजिए किस कुल में जन्मे, नाम का महत्व देखो, सब ब्राह्मण वैष्णव सब आके प्रणाम करते हैं, सब चरण धूल माथे पे लेते हैं, ये नाम की कितना भयानक दंड दिया गया, क्या बिगाड़ पाया कोई, नाम का प्रभाव देखो, वही बादशाह वही काजी आके चरणों में गिरे। श्री हरिदास जी के मुख से सदा हरिनाम निकलता रहता, निरंतर के कीर्तन के प्रभाव से इनके रोम रोम से हरिनाम की ध्वनि प्रकट होती। अगर कोई हरिदास जी के सामने जरा सी कोई भगवान की बात कर, सुनते ही अश्रुप प्रवाह होने लगता, मूर्छित हो जाते, एक साथ शरीर में साफ सात्विक भाव प्रकट हो जाते। एक दिन की बात है, ये अपनी कुटिया से कहीं जा रहे थे तो रास्ते में इन्हें मंजीरा मृदंग की आवाज सुनाई दी, श्री कृष्ण कीर्तन समझकर ये उसी ओर चल पड़े। उस समय एक डंक नाम की जाति के लोग मृदंग मंजीरा बजाकर नृत्य किया करते थे और नृत्य के साथ वो हरि लीलाओं का पदों का गायन करते। उस समय कोई डंक नृत्य कर रहा था
और हरिदास जी जब पहुंचे तब डंक भगवान की काली दमन की लीला का पद गा रहा था। डंक का स्वर कोमल था, नृत्य में प्रवीण था, गाने का अभ्यास, और बहुत सुंदर भाव से वो ये विलाप करने लगा कि जब लाल जी नागनाथनी के लिए काली देह में कूदे तो यशोदा मैया जो विलाप कर रही थी वो भाई, विलाप की बात सुनते ही धड़ाम से गिरे हरिदास जी, साफ सात्विक भाव प्रकट हो गए, अश्रु प्रवाह हुंकार और तड़प रहे हैं जमीन पे। डंक बड़ा सात्विक था, वो महापुरुषों के भावों को जानता था, देख के समझ गए कि ये तो कोई महापुरुष है। तत्काल नृत्य बंद किया, इनके चरणों में लौट गया, थोड़ी थोड़ी धूल उठाई, मस्तक पर धारण किया, स्तुति करने लगा। अब तो बहुत से भक्त हरिदास जी की चरण धूली ले लेकर अपने माथे पर चढ़ाने लगे, कोई उसे बांध कर रज को घर ले जाने लगे। अहो भाग्य से प्रेमी महाभागवत की चरण रज मिली। वहीं पर एक ब्राह्मण बैठा था, वो देख के जल रहा था कि देखो किस कुल में हरिदास जी जन्मे, और सब इनकी चरण धूल ले रहे हैं, मैं मिश्रा जी, मेरी कोई बात पूछ नहीं रहा। तो वो थोड़ी देर के बाद वो फिर डंक पद गाने लगा। अब वो ब्राह्मण एकदम जैसे हरिदास जी हुंकार करके गिरे थे वैसे वो भी गिरे।